जाजपुर वाले मिलने आए कि साहब सैनी साहब ने मंडी बनाई, हमारी दुकानों में आवक कम हो गई है, अब सब्जी आती नहीं है, तब मालूम पड़ा हरियाणा वालों। 10 नई फसलें उन्होंने एमएसपी पर घोषित करी, और मैं बधाई देना चाहता हूं सैनी साहब को, भारत में पहला ऐसा राज्य बना जो किसान की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदी करेगा। हमारी मंडियों में राजस्थान से और दिल्ली से बाजरा लेकर किसान आते हैं, बाजरे का 3,000 रुपया देने का काम मेरी हरियाणा सरकार ने करा है। अरे राहुल बाबा जो है, भाइयों बहनों, राहुल बाबा झूठ बोलने का मशीन है, समझकर चलना आप, ये झूठ बोलने का मशीन है। एमएसपी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है क्या? अरे राहुल बाबा, रवि में कौन सी फसल होती है, खरीफ में कौन सी फसल होती है, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, मालूम है कुछ? किसान कर रहे हो? भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहता हूं, ये राहुल बाबा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में, सोनिया मनमोहन की सरकार के 10 साल से 2 गुना ज्यादा धान और गेहूं खरीदने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हर फसल का एमएसपी 60% से लेकर 2.25 गुना तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और हुड्डा साहब, मैं चैलेंज देकर जाता हूं, आपके 10 साल और भाजपा के 10 साल कोई भी फसल ले लो, आपने अगर हमसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदा हो तो हरियाणा के किसान को बताओ, झूठ बोल रहे हो? आपकी सरकार है हिमाचल में, आपकी सरकार है कर्नाटक में, एक केजरीवाल की सरकार है पंजाब में, गेहूं और धान तो नरेंद्र मोदी खरीद रहे हैं, आपकी राज्य सरकारें क्या खरीद रही है? कुछ नहीं खरीदती, ना बाजरा खरीदती है, ना मक्का खरीदती है, ना रागी खरीदती है। भाइयों बहनों, सभी फसलें अगर कोई खरीदता है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार खरीदती है, हरियाणा सरकार। भाइयों बहनों, हमने सैनी जी ने 6 माह में 12वीं पास युवाओं का भत्ता 900 से बढ़ाकर 1200 किया, स्नातक का भत्ता 1500 से 2000, और डबल ग्रेजुएट का भत्ता 3000 से 3500 करने का काम हमारे नायब सिंह सैनी ने करा है। लाडवा वालों, जोर से ताली तो बजाओ जरा। भाइयों बहनों, ये 10 साल में हरियाणा कई क्षेत्र में आगे बढ़ा, उद्योग इतने बड़े कि छोटा सा हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में सभी देश में 1 नंबर मारे हरियाणा का है, मारा हरियाणा का है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति योगदान सबसे ज्यादा मेरे हरियाणा के है। देश के अनाज के भंडारों में अनाज भरने में इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद दूसरा स्थान हरियाणा का है, और दूध के उत्पादन में भी देश भर में 3रा नंबर मेरा हरियाणा का है। हर घर में सिलेंडर, हर घर में शौचालय और हर घर में पीने का पानी देने वाला एकमात्र राज्य मेरा हरियाणा बना है। गुरुग्राम में 400 फॉर्च्यून कंपनियों के
कार्यालय है और टूरिज्म भी सबसे ज्यादा बड़ा है तो हरियाणा में बड़ा है। आज मैं ये विकास की गति अगर बरकरार करनी है तो लाडवा वालों कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नायब सिंह के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये राहुल बाबा कहते हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। आप चिंता मत करो हरियाणा वालों, मैं लाडवा की भूमि पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी धारा 370